फ्लोर टेस्ट से पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को बुधवार को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल इमरान खान सरकार की सहयोगी पार्टी MQM ने अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग से पहले ही अपने विपक्षीय दलों के साथ समझौता कर लिया है। PPP प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट कर बताया है कि संयुक्त विपक्ष और MQM के बीच एक समझौता हुआ है। राबता कमेटी MQM और PPP CEC समझौते की पुष्टि करेगी। इसके बाद कल प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मीडिया को जानकारी देंगे। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। इस पर 31 मार्च से चर्चा होनी है, लेकिन इससे पहले MQM और PPP के समझौते के बाद इमरान खान सरकार ने बहुमत खो दिया है। पाकिस्तान असेंबली में 342 सदस्य हैं। बहुमत के लिए 172 सदस्य होने जरूरी हैं। MQM के इमरान खान का साथ छोड़ देने के बाद विपक्ष के पास 177 सदस्यों का समर्थन हो जाएगा, जबकि इमरान खान के पास 164 सदस्यों का समर्थन रह जाएगा। विपक्ष को इमरान खान की सरकार गिराने के लिए सिर्फ 172 सदस्यों की जरूरत है। उधर इमरान खान ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग विदेशी फंडिंग की मदद से पाकिस्तान में उनकी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें इमरान खान की पार्टी की, करीबन 2 दर्जन सांसद अभी भी बागी हैं। इसके अलावा सरकार में सहयोगी पार्टियों MQMP, PMLQ और जहूमरी वतन पार्टी ने भी एक एक कर साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ नेशनल।